एंशियंट इंडिया की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एंशियंट इंडिया की हम बात कर रहे थे। लास्ट कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं हिस्ट्री के, उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, नियोलिथिक पीरियड, बुद्धिज़्म और हमने अलेक्जेंडर द ग्रीक इन्वेजन और ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम जैन रिलीजन की बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, ठीक है, इनकी मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर भगवान महावीर डाइड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था और ये डाइड कहाँ हुए थे, दोनों ही जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये डाइड हुए थे, कहाँ हुए थे, पवापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, इनके फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बॉर्न कहाँ हुए थे, कुंदग्राम में, कुंदग्राम में ये बॉर्न हुए थे और डाइट कहाँ हुए थे, पवापुरी में, ठीक है, दोनों इस एक साथ ही लिखे हुए हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने देखा तीर्थंकर, तो तीर्थंकर किस चीज़ से रिलेटेड है, जैन रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिलग्रिम प्रभासगिरी जो पिलग्रिम है वो भी जैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द सीरीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स द लास्ट वन वॉज, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट कौन से थे, महावीर थे, ठीक है। चलिए मैं इम्पॉर्टेंट ही आपको बताऊंगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अनुर्वर्त सिद्धांत वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, ये किसने प्रोपाउंडेड किया था, जैन रिलीजन ने किया था। और जो स्वादवर्द जो सिद्धांत है वो भी किसने किया था, जैन रिलीजन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिसिपल ऑफ भगवान महावीर, फर्स्ट डिसिपल कौन थे, जमाली थे, ठीक है, जमाली वॉज द फर्स्ट डिसिपल या फिर भक्त थे किसके, भगवान महावीर के। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट, यस पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर वॉज फ्रॉम, ठीक है, ये जो पार्श्वनाथ थे वो कहाँ से थे, बनारस से थे, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC द जैन रिलीजन वॉज सपोर्टेड बाय खरवेल द किंग ऑफ, ठीक है, ये किसके किंग थे, कलिंगा के किंग थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्रॉम विच मौर्यन एम्परर इट इज सेड दैट ही एम्बरेस्ड द जैन रिलीजन, तो कौन से एम्परर थे वो, मौर्यन एम्परर आएगा तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शैव भागवत रिलीजन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं, बाय हुम वर द खजुराहो टेम्पल बिल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि खजुराहो टेम्पल किसने बिल्ट करी थी, तो इसका आंसर है बाय द चंडेला किंग्स, ठीक है, बाय द चंडेला किंग्स खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द नारायण्स वर द शिव, ठीक है, ये कौन थे, शिव थे। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट, हाँ ये कुछ, ये एक टेबल है, इसमें रिलीजन और उसके रिलेटेड साइट, इम्पॉर्टेंट साइट के बारे में बताया गया है, तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। जैसे जैन है तो जैन में हमने क्या पढ़ा था, पावापुरी का था डाइट प्लेस ऑफ डेथ प्लेस ऑफ किसका, भगवान महावीर, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट है, इस्लाम के लिए है मदीना, हिंदू के लिए है वाराणसी और क्रिश्चियन के लिए है वेटिकन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिलोसफी के बारे में। नेक्स्ट है, द चीफ फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, ठीक है, योगा फिलोसफी के चीफ फाउंडर कौन है, पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द अर्लीएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एंड जो अर्लीएस्ट सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, वेदास, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु वॉज द पायोनियर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, तो पायोनियर कौन कर रहे थे इन्हें, शंकराचार्य, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द इन्वेंटर ऑफ योगा जो हमने पढ़ा अभी, पतंजलि। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ मीमांसा, तो वो है जैमिनी। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन दैट इज़ द फिलोसफी ऑफ जस्टिस, उसके जो फाउंडर है वो है गौतम,
ठीक है, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रीन सेल कर रखे हैं पॉइंट, हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी कुछ है याद रखने के लिए, तो जितना हम याद रख सकते हैं उतना हम याद रखेंगे, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है वही याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आजीवक के बारे में, तीन पॉइंट्स ही दे रखे हैं तो वो हम देख लेते हैं। द बराबर केव्स एज द शेल्टर्स, ठीक है, शेल्टर्स की तरह कौन यूज़ करते थे, आजीवकर्स यूज़ करते थे। द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट वॉज, कौन फाउंडर थे इसके, मकली गोशल। नेक्स्ट है वन हु प्रोपाउंडेड दैट द फेट डिटरमाइंड एवरीथिंग एंड द मैन इज इनकेपेबल, जिन्होंने बोला था कि फेट ही सब कुछ डिसाइड करती है, मैन कुछ नहीं कर सकता है, वो इनकेपेबल होता है, ठीक है, तो ये किसने बताया था, आजीवक ने। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, इट इज़ मौर्यन पीरियड, इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिंदुसारा सेंड अशोका टू क्रश द रेबिलियंस, ठीक है, तो बिंदुसारा ने अशोका को कहाँ भेजा था, तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑफ विच डेनेस्टी वॉज बिंदुसारा द रूरल वॉज, तो अपने को देख ही गया है कि वो मौर्यन डायनेस्टी में है क्योंकि हम मौर्यन पीरियड की ही बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, टू विच लर्निंग सेंटर वॉज चाणक्य द फेमस गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज कि जो चाणक्य थे वो फेमस गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनका जो लर्निंग सेंटर था, ठीक है, वो क्या था, तक्षशिला। और एक और चीज़ क्या थी तक्षशिला से रिलेटेड, कि वेयर डिड बिंदुसारा सेंड अशोका टू क्रश द रेबिलियंस, ठीक है, तो ये तक्षशिला काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, जगह है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू विच पीरियड डज द बिगेस्ट स्तूपा लोकेटेड इन द सांची बिलोंग, ठीक है, तो ये किस पीरियड से रिलेटेड है, मौर्यन पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है विच फर्स्ट रूरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध, मगध के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है रूरल वो है बिंदुसर, सॉरी। नेक्स्ट है विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया फर्स्ट, तो किस फॉरेन ट्रेवलर ने इंडिया को फर्स्ट विजिट किया था, वो है मेगस्थेनिस, ठीक है, मेगस्थेनिस। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, यस ये वाला इम्पॉर्टेंट है, विच रूरल इज नोन बाय द नेम संथ्रोकॉटस, ठीक है, तो इसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अशोका के बारे में, हु बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची, तो बिल्ड किसने किया था, ये अशोका ने किया था, और जो डायनेस्टी थी वो थी मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज अ किंग दैट हैज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बात करते थे लोगों से, वो कौन से किंग थे, अशोका थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग हुज रियाइन वर द नेशनल हाईवेज बिल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो नेशनल हाईवे बिल्ड इन फर्स्ट टाइम किसके पीरियड में हुआ था, अशोका के पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय विच किंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रोनाइज्ड, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये, भी आप याद रखिए, ये है अशोका के पीरियड में हुआ था, अशोका ने ही इसे पेट्रोनाइज्ड किया था। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, हु वॉज द वाइफ ऑफ एम्परर अशोका दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम, ठीक है, तो उनकी वाइफ थी कौरवकी। चलिए नेक्स्ट है हु वॉज हु ऑल्सो हैड द नेम देवनम प्रिया प्रियदर्शी, ठीक है, तो ये है द मौर्यन किंग अशोका के, अशोका को ये भी बोलते थे हम, क्या बोलते थे, देवनम प्रिया प्रियदर्शनी। चलिए हाँ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रियान ऑफ विच रूरल डिड द अराइवल ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इन नेपाल टेक प्लेस, ठीक है, तो नेपाल में बुद्धिज्म जो था वो कब किसके रियान में फैला गया था, वो अशोका के पीरियड में फैला गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द रूलर दैट मर्डर्ड हिज फादर इन ऑर्डर टू असेंड ही असेंड द थ्रोन, तो एक तो काफ़ी गलत किया था इन्होंने, ये किया था अशोका ने। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर डिड अशोका ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो काउंसिल थर्ड किसने की थी, अशोका ने की थी, और कहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ये किया था पाटलिपुत्र ने किया था, पाटलिपुत्र में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच इवेंट कॉज द इनॉर्मस चेंज इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है, तो कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था, वो हुआ था कलिंगा वार,
ठीक है, जो ओल्ड कलिंगा है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है महानदी इन द नॉर्थ और गोदावरी इन द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द एंशियंट टाइम विच प्लेस वॉज रूल्ड बाय कार्वेल द ग्रेट। ठीक है, तो कार्वेल द ग्रेट ने कौन सी एंशियंट टाइम की जगह को रूल किया था, वो किया था कलिंगा में, ऑफ कलिंगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ही वाला भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ बिंदुसारा विच प्लेस्ड इट अशोका रूल्ड, तो वो प्लेस थी अवंती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सन ऑफ अशोका हु वेंट टू श्रीलंका टू प्रोपोगेट द बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, तो अशोका के सन जो थे जो श्रीलंका में गए थे बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाने के लिए, तो उनका नाम था महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु वॉज द लास्ट एम्परर और रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट एम्परर थे वो थे वृहदत्त। ठीक है, वृहदत्त याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड समहर्ता वॉज कॉल्ड, समहर्ता का मतलब होता था चीफ ऑफिशियल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, या फिर इन्हें बोल सकते हैं चीफ ऑफिशियल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको बोला जाता था, किसको, समर्थ को। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो का, लास्ट पॉइंट, ऑन विच फील्ड वॉज द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया बाय द ग्रीक कॉन्टेक्ट विजिबल द मोस्ट। ठीक है, तो वो था पॉइंट, कौन सी फील्ड थी, वो एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर मौर्यन पीरियड को भी कवर करेंगे और कुछ और एंशियंट इंडिया के पॉइंट्स है, टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आप ये सब पॉइंट्स जो मैंने इसमें बताए वो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।